हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट कर चुके हैं योर थर्ड चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि भी आपको इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाए जाएं, जो भी फॉर्मुलेस होंगे वो आगे आपको बहुत काम आने हैं। तो प्लीज इसके फॉर्मुले हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिए और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपको। ओके, तो हम इसमें बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके मोस्टली क्वेश्चंस जिस पे डिपेंड करते हैं वो है आपकी आर्क एंगल रिलेशन। तो देखिए, आपके पास ये कोई भी एक सर्कल है, दिस इज योर एनी सर्कल। अब सर्कल हुआ तो ये सर्कल का क्या हुआ बेटा, सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा आर्क एंगल रिलेशन, आर्क एंगल रिलेशन। तो इसमें क्या है कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये सर्कल का क्या हो गया रेडियस। तो रेडियस हमने क्या ले लिया, आर। ओके, सर्कल हो गया सेंटर और ये उस सर्कल का रेडियस हो गया। अब जैसे आपने फर्स्ट वर्ड पढ़ा आर्क, तो आपको पता है भी कोई भी कर्व होती है, अगर हम उस कर्व पे कभी भी आर्क बोलते हैं तो इसका मीनिंग है कि उस कर्व के सर्कमफ्रेंस पे आपको एक लेंथ लेते हो और उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस पे, दैट इज आर्क लेंथ। तो मीनिंग आर्क का मीनिंग क्या है, कोई एक कर्व, कर्व का जो सर्कमफ्रेंस है उस पर कोई एक आर्क लेना। तो जस्ट लाइक मैंने कहा भी यहां पे ये मेरी कोई एक आर्क है, यहां से यहां तक, दिस इज योर एनी आर्क, और ये जो आर्क है ना, ये आर्क, इस आर्क की लेंथ कितनी है, एल लेंथ। तो व्हाट इज योर आर्क लेंथ, आर्क लेंथ किसके इक्वल है आपकी, एल के। आपका रेडियस किसके इक्वल है, आर के। रेडियस जो है वो इक्वल है आर के। हमने कहा कि ये जो आर्क है, ये आर्क इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड कर देती है, थीटा। बड़ा सिंपल सी बात है, सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, ये उसका रेडियस हो गया। अब हमें एक आर्क लेनी है, तो ऑब्वियसली आर्क हम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लेंगे। तो ये हमने कोई एक आर्क ले ली। अब इस आर्क की लेंथ हमने क्या बोल दी, व्हाट इज आर्क लेंथ, एल। तो हमने कहा भी ये आर्क इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करता है, थीटा। तो आपका फॉर्मूला होगा बेटा थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, दिस इज रेडियस आर्क लेंथ, दिस इज द एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई। और व्हेनेवर जब आप हर क्वेश्चन में अब ये फॉर्मूला यूज करोगे, मोस्टली क्वेश्चंस में, तो आपका याद रखोगे कि जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो आपका थीटा यहां लिखोगे इस फॉर्मूले में, दैट इज ऑलवेज इन रेडियंस, ये हमेशा आपका होगा रेडियंस। कि अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो कन्फर्म इसमें जो थीटा होगा दैट इज ऑलवेज इन रेडियंस। तो आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है बेटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, व्हाट इज एल आर्क लेंथ, व्हाट इज आर रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा जो यहां पे लिखोगे दैट शुड बी इन रेडियंस। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको बेटा एल गिवन है, आर गिवन है, आपको थीटा फाइंड आउट करना है। नो डाउट इसमें आपको L गिवन है, इसमें L आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, L है 25 सेंटीमीटर, L है सॉरी R है 1/2 मीटर। ओके, तो दिस इज योर 25 सेंटीमीटर L, और रेडियस क्या गिवन है, 1/2 मीटर। तो सबसे पहले आपको बताया बेटा जो आपका L है, व्हाट इज L, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एल है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो
आपको ये बात तो कंफर्म है कि आपको ये सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है, तो पहले इनकी डायमेंशन सेम करेंगे आप। ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो हम इसको किस टेप को लिख सकते हैं, 100 बाई 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर बाई 2, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, 50 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लिखना है, थीटा, तो थीटा किसके इक्वल हो गया, एल बाई आर। व्हाट इज योर एल, 25, व्हाट इज योर आर, 50, तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/2। अब ये 1/2 क्या होगा, रेडियंस, तो दिस इज योर 1/2 रेडियंस। क्लियर हो गई बात, व्हाट इज एल, एल क्या होता है, एल होता है इस आर की लेंथ, आर रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा ये एंगल, लेकिन ये थीटा हमेशा होना चाहिए रेडियंस में, एंड व्हाट इज योर थीटा, एल बाई। अब यहां पे एल सेंटीमीटर में था, आर मीटर में था, तो हमने आर किसमें बनाया, सेंटीमीटर में, डायमेंशन ये तो आपको अच्छे से आती है, ये चीजें सेम डायमेंशन में होनी चाहिए, तो यहां से आप थीटा लिख सकते हो, यहां थीटा जब आप भी लिखेंगे वो रेडियंस में होगा। ठीक है, फोर्थ का सेकेंड पार्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, कि भाई आप लोगों को रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। ओके, इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो थीटा आपको गिवन है बेटा 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ दिस लेंथ, तो ये क्या हो गया आपका एल, तो एल हो गया 37.4 सेंटीमीटर। सिंपल लैंग्वेज है बेटा, क्या फाइंड करना चाहते हो, रेडियस किसका, सर्कल का, तो आपको आर फाइंड करना है। इन विच सर्कल, इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो विच इज द एंगल थीटा, तो थीटा 60 डिग्री हो गया। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ दिस लेंथ, तो ये क्या होगी, आर्क लेंथ, तो दिस इज योर एंगल, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। आपको आर फाइंड करना है, थीटा पता है। अब आप सोचिए कि अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो थीटा शुड बी इन रेडियंस। अब आपका यहां पे थीटा किसमें है, डिग्री में, और आपको पता है कि आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो कंफर्म इस एंगल को किसमें बनाएंगे पहले आप, रेडियंस में, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियंस। बहुत क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बेटा हम आपको कि डिग्री में है, बिल्कुल डिग्री में है, रेडियंस में बनाना है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 से, या 60 डिग्री को डायरेक्ट याद रख सकते हैं हम, पाई बाई 3 रेडियंस। अब आप इस फॉर्मूले से ये बताएंगे व्हाट इज योर आर, आर हो गया बेटा एल बाई 3 बाई दिस फॉर्मूला। व्हाट इज योर एल नाउ, 37.4। ओके, व्हाट इज थीटा बेटा, पाई बाई 3। मैं लिखिए यहां पे 37.4, व्हाट इज योर थीटा, पाई बाई 3। नाउ दिस 3 विल गो इन न्यूमरेटर, तो ये हो गया 37.4 इंटू 3। अब उसने कहा है जो आपका पाई है, पाई पाई को क्या लेना है आपको, 22 बाई 7, तो दिस विल ऑल्सो गो इन न्यूमरेटर, तो ये हो गया 37.4 इंटू 3 इंटू 7 और बाई 22। ओके, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं बेटा, तो आपको यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी आर की। तो इस फॉर्मूले को जब भी अप्लाई करना चाहें तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि एल और आर होने चाहिए सेम डायमेंशंस में, और ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं तो थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इसी पे। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है आपका, मोस्टली क्वेश्चन अब इसी कॉन्सेप्ट के बचे हुए हैं, उनको देखते रहिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी आपका एक्सरसाइज में 11, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल,
फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल. सबस्टेंडेड एट द सेंटर, सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल. ऑफ डायमीटर, ऑफ डायमीटर दैट इज योर 200 सेंटीमीटर. बाई एन आर्क लेंथ, बाई एन आर्क लेंथ या बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. और यहां पे पाई आपको यूज करना है बेटा 22 बाई 7. योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें आपसे क्या कहा गया है, डिग्री मेजर फाइंड करना है एंगल का. तो मैंने जब आप फॉर्मूला लिखते हो, कौन सा फॉर्मूला लिखते हो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. जब ये फॉर्मूला आप लिखते हैं तो इसमें थीटा किसमें होता है, रेडियंस में. तो उसको आपको किसमें निकालना है, डिग्री में. कि जो एंगल आप फाइंड करोगे ना बेटा उसको डिग्री में बताना. तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, डायग्राम बनाया गया था. वो एंगल किस पे बनता है, सर्कल के सेंटर पे बनता है. सर्कल का डायमीटर क्या है, 200 सेंटीमीटर. तो हम कहेंगे भी हमें सर्कल का क्या पता है, डायमीटर 200 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द रेडियस बेटा, आप सबको पता है डायमीटर बाई टू. तो रेडियस क्या हो गया, डायमीटर बाई टू. तो दैट इज बेटा 200 बाई टू, 100 सेंटीमीटर. क्या आपको चाहिए क्या फॉर्मूले में, रेडियस. तो आपको डायमीटर पता है 200 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आप सब समझदार, डायमीटर का क्या होगा, हाफ, दैट इज 100 सेंटीमीटर. बाई एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द आर्क लेंथ, एल. तो एल आपको गिवन है बेटा 22 सेंटीमीटर. तो भाई आपको आर पता है, एल पता है, एंड यू हैव टू फाइंड थीटा, कि आपको थीटा फाइंड करना है. तो जब हम यहां पे थीटा लिखेंगे तो व्हाट इज योर एल 22 एंड व्हाट इज योर थीटा, सॉरी आर 100. और कंफर्म ये किसमें आएगा, रेडियंस में. क्लियर है सभी, क्या बोला हमने कि भाई यहां से आपको पता है बेटा डायमीटर 200 है, रेडियस 100 हो गया, आर्क लेंथ कितनी गिवन है 22 सेंटीमीटर लिखा है भी, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, तो दैट इज आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर. तो अब आपको एल पता है, आर पता है, तो थीटा लिख सकते हैं यहां से. अब आपको पता है जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो थीटा विल बी इन रेडियंस, तो थीटा रेडियंस में है आपका. अब इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में. तो आप सबको पता है बेटा अगर आपका एंगल किसमें हो, रेडियंस में, और चेंज किसमें करना चाहो, डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए डिग्री. एंगल किसमें है, रेडियंस में, चेंज किसमें करना चाहते हो, डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब उसने आपसे क्लियरली मेंशन किया है क्वेश्चन में कि भाई जो आपको पाई लेना है वो कितना लेना है, 22 बाई 7. ये कैंसिल भी, ये कैंसिल, दिस विल गो इन न्यूमरेटर, दिस इज 9 एंड दिस इज 5. तो ये आपको क्या मिलेगा बेटा, 63 बाई 5. क्या लिखते हैं डिग्री, ओके 7 विल गो हेयर, दैट इज 63/5 डिग्री. तो दैट इज योर एंगल, डिग्री मेजर ऑफ एंगल. तो आपको ये बात अब अच्छे से क्लियर हो गई कि जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल किसमें आएगा, हमेशा रेडियंस में. अब बनाना किसमें था, डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब आपको पता है कि 63/5 आ गया, ओके. तो आपको पता है कि ये आपको समझाया, फिर समझा देते हैं हम कि दिस इज योर 63/5 डिग्री आ गया. तो
आपको समझाया गया था बेटा कि जब भी आपकी डिग्री किसमें आ जाए, फ्रैक्शन में, तो हम पहले वहां से एग्जैक्ट डिग्री निकालेंगे। तो आप इसमें से पहले क्या निकालेंगे? एग्जैक्ट डिग्री। आराम से बताया गया था जब भी आपकी डिग्री किसमें हो, फ्रैक्शन में, तो आप पहले उसमें से एग्जैक्ट डिग्री निकालिए, फ्रैक्शन डिग्री अलग कीजिए। तो हम इसमें से जब फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट डिग्री क्या होगी? 12 डिग्री, और फ्रैक्शन डिग्री क्या होगी? 3/5 डिग्री। अब आपको पता है कि ये तो एग्जैक्ट डिग्री होगी, हो गया। अब ये आपकी जो फ्रैक्शन डिग्री है इसको किसमें चेंज करेंगे आप? मिनट्स में। तो डिग्री और मिनट में क्या था? 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। तो कितनी डिग्री लिखनी है? 3/5 डिग्री। तो इसको हम लिख देंगे 3/5 × 60। तो ये बेटा कैंसिल, 36 मिनट। तो ये हो गया बेटा 12 डिग्री और 36 मिनट। दैट इज योर क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो भी हम आपको समझाएंगे इस लेक्चर में, उसमें मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट में लिखा है भी आपकी कोई भी वायर, यू हैव ए वायर, उस वायर की जो लेंथ है वो है 121 सेंटीमीटर। ओके, इज बेंट सो एज टू लाइन, सो एज टू लाइन अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, तो इसको देखें अपना ध्यान से। इसमें बोला गया भी वायर है कोई वायर, और उस वायर की जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर, एक वायर दे दी गई आपसे और उस वायर की लेंथ है 121 सेंटीमीटर, और वो वायर क्या की हमने बेंड की, उसको मोड़ दिया, सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल। देखिए ये आपके पास कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसका रेडियस क्या भी 180 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज योर सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। तो ये बेटा सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, और ये इसका क्या हो गया? रेडियस 180 सेंटीमीटर। अब हमें क्या लेनी है? वायर, वायर की लेंथ क्या लेनी है? 121 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको बेंड करना है, मोड़ देना है, और उसको जब मोड़ने के बाद सो एज टू लाइट अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल, कि उस वायर को इसके आर्क पे पुटअप करना है। तो मान लीजिए कि वो वायर आपने मोड़ने के बाद उसको किस पे लाई करना था? आर्क पे, तो वो आपने यहां लाई कर दी। दिस इज योर वायर। अब इस वायर की लेंथ क्या है? 121 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको ये थीटा फाइंड आउट करना है, सिंपल सी लैंग्वेज है। वायर कितने लेंथ की थी? 121 सेंटीमीटर की ना, तो उस वायर को आपने बेंड किया भी, मोड़ा कैसे भी, और उसको इस तरह से मोड़ा कि आपका वो वायर किस पे लाई करे? सर्कल के आर्क पे लाई करे वो वायर। तो दिस इज योर वायर दैट लाइज ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, तो व्हाट इज दिस एल? दिस इज आर, कि एल हो गया आर्क लेंथ, दिस इज एल, आपको थीटा फाइंड। तो यहां से जो थीटा हो गया वो किसके इक्वल हो गया बेटा? एल बाई आर। व्हाट इज योर एल? 121। व्हाट इज योर आर? 180। अब ये एंगल कंफर्म किसमें होगा? रेडियंस। दिस इज इन योर रेडियंस। समझ गए ये एल क्यों हुआ और ये आर? ये तो आर है ही ना, रेडियस। ये एल कैसे हुआ? क्लियर हो गई ये बात? तो ये रेडियंस हो गया।
अब इसको किस में फाइंड करना है, डिग्री। तो बेटा डिग्री का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाई पाई से। तो इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां क्या लिख दीजिए, डिग्री कैंसिल। पाई को आप लोग क्या ले सकते हैं बेटा, 22 बाई 7। तो दिस इज योर 22 बाई 7 डिग्री। 7 विल गो इन न्यूमरेटर, तो ये हो गया भी 121 इंटू 7 और अपॉन में क्या हो गया 22। ये कैंसिल विद 2, ये क्या हो गया बेटा आपका 11। तो ये आपको मिलेगा 77 बाई 2 डिग्री। अब आप इसको पता है कि ये डिग्री आपका फ्रैक्शन में है, तो आप इसमें से एग्जैक्ट डिग्री अलग निकाल दीजिए, फ्रैक्शन डिग्री अलग निकाल देंगे। तो यहां पे एग्जैक्ट डिग्री क्या होगी 38 डिग्री, फ्रैक्शन डिग्री क्या होगी 1 बाई 2 डिग्री। अब 1 बाई 2 डिग्री को कंफर्म आप लोग क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट्स। 1 डिग्री अभी लिखा था हमने किसके इक्वल होता है 60 मिनट। कितने डिग्री लिखना चाहते हैं, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 30। तो दैट इज योर एंगल इन डिग्रीज। तो इसमें समझने की सिर्फ एक बात है कि जो आपका वायर का कितनी लेंथ का 121 सेंटीमीटर का, उसको आपने कहां पे लाई कराया, सर्कल की आर्क पे, दैट इज योर आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी आपका 30। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियल of two circles, find the ratio of the radii of two circles at the centers of which, at the centers of which two equal arcs subtend angles of 30 degree and 70 degree. तो इसमें बहुत ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को कि भी आपको रेशियो फाइंड करनी है। फिर अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन कि भाई आपको रेशियो फाइंड करनी किसकी, रेडियस मीनिंग रेडियस की, ऑफ टू सर्कल्स। कितने सर्कल लेने हैं आपको, दो। भाई आपका एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। सिंपल सी बात है, क्या लिखे हुए थे, टू सर्कल्स, तो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। इस सर्कल का क्या रेडियस हमने ले लिया बेटा, आर वन। इस सर्कल का क्या रेडियस ले लिया हमने, आर टू। सिंपल सी लैंग्वेज है। कितने सर्कल्स देने थे, दो, हो गए दो सर्कल्स। और हमें उन दोनों सर्कल्स के रेडियाई की क्या निकालनी थी, रेशियो। तो इस सर्कल का रेडियस आर वन और इसका रेडियस क्या ले लीजिए, आर टू। तो आपको इनकी क्या निकालनी है, रेशियो। तो मीनिंग बेटा यू हैव टू फाइंड आर वन बाई आर टू, वे आपको आर वन बाई आर टू फाइंड करना है। अंडरस्टूड, नेक्स्ट। एट द सेंटर्स ऑफ विच, इनके सेंटर्स पे टू इक्वल आर्क्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। अब उसने क्या बोला, टू इक्वल आर्क्स सेंटर्स ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स। तो एक आर्क इसमें लेनी और एक आर्क इसमें, लेकिन उसने आर को क्या बोला है, दोनों को इक्वल आर्क्स। तो यहां पे एक आर्क ले लेंगे बेटा,
उस आर्क की लेंथ आप क्या मानेंगे, एल। तो ये इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। सेम आर्क लेंथ यहां लेनी है आपको भी, क्योंकि उसने आर्क लेंथ क्या बोली है, इक्वल। तो यहां पे एल, और ये कितना एंगल बनाती है बेटा यहां, 70 डिग्री। समझ गए बाप, कितने सर्कल लेने थे, दो। इसका रेडियस आर वन, इसका रेडियस आर टू, हमें रेडियस की रेशियो निकालना इन दोनों के सेंटर पे, टू इक्वल आर्क। तो एक आर्क ये ले लेंगे और एक आर्क ये ले लेंगे, एक इसके सेंटर पे और एक इसके सेंटर पे एंगल बनाएगा। तो अब उसने आर्क क्या बोली हुई है, इक्वल। तो यहां भी आर्क लेंथ फैल लेंगे, तो यहां भी एंगल। अब ये आर्क लेंथ इसके सेंटर पे 30 डिग्री एंगल बनाती है, और यही आर्क लेंथ इसके एंगल पे 70 डिग्री एंगल बनाती है। ये तो इसमें आपका रेडियस आर वन है, रेडियस आर वन है। व्हाट इज आर्क लेंथ बेटा, एल। एंड व्हाट इज योर थीटा वन, 30 डिग्री। इसको थीटा वन बोलते हैं आप। यहां पे रेडियस कौन है, आर टू है, आर्क लेंथ एल है। एंड व्हाट इज योर थीटा टू बेटा, 70 डिग्री। अब आपको पता है कि जब आप ये लिख रहे हैं तो कंफर्म कंफर्म आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना। तो यहां से आप आर को क्या लिख सकते हैं, एल बाई थीटा। बट जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, थीटा शुड बी रेडियंस, कि भाई थीटा रेडियंस में होना चाहिए। तो इसको आप रेडियंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई बाई सिक्स, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो किसमें हो गया, रेडियंस में। कि जब आप समझदार हो बेटा, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो यहां पे, तो एंगल शुड बी इन रेडियंस, तो इसको रेडियंस बनाएंगे। तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा भी 7 पाई बाई 18 रेडियंस। तो यहां से ये फॉर्मूला यूज करेंगे आर वन, यहां से आर वन किसके इक्वल होगा, एल बाई थीटा वन। तो दिस इज योर एल, व्हाट इज थीटा वन बेटा, पाई बाई सिक्स। तो ये हो गया 6 L/π, दिस इज योर आर। यहां से आर टू किसके इक्वल लिखेंगे हम, एल बाई थीटा टू। तो ये हुआ बेटा एल, व्हाट इज थीटा टू, 7 π/18। तो ये हो जाएगा आपका 18 L/7π। सिंपल सी बात है बेटा, कितने सर्कल्स लेने थे, दो हो गए, दो सर्कल्स। इसका रेडियस आर वन ले लिया, इसका रेडियस आर टू, दोनों के रेडियस की रेशियो चाहिए। दो इक्वल आर बोली थी, तो एक आर किस पे और एक आर किस पे, दोनों इक्वल आर थी, तो एल और एल। यहां एंगल 30 डिग्री, यहां 70 डिग्री, यहां रेडियस आर वन, आर्क लेंथ एल, थीटा वन 30। अब पता है जब ये यूज कर रहे हो तो एंगल शुड बी इन रेडियंस, रेडियस आर टू एल, थीटा टू 70 रेडियंस। एंड यूज दिस। अब ये क्या है R1 और ये क्या है R2, डिवाइड R1 बाई R2। तो ये हो गया 6 L/π को किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 18 L/7π, 18 L/7π। पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, और आपका ये कैंसिल। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, 7/3, दिस इज योर रेशियो, 7/3, this is your required question। क्लियर है क्वेश्चन, देख लीजिए बेटा ध्यान से बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप नेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको 14 क्वेश्चन है आपका, 14 क्वेश्चन। रेलवे ट्रेन या ए ट्रेन, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस, 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ,
एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. तो थ्रू व्हाट एंगल, थ्रू व्हाट एंगल, विद थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न, विल इट टर्न into 20 seconds, into 20 seconds. ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन कि भी कोई भी आपकी ट्रेन है, वो ट्रेन आपकी ट्रेवल कर रही है, किस पे ट्रेवल कर रही है, कर्व पे, और कर्व का इतना रेडियस है, तो नो डाउट आप उसको एक सर्कल ले लो, रेडियस बोला है तो ये बेटा आपका कोई एक सर्कल है. और इसका क्या है, सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो गया, रेडियस. तो रेडियस गिवन है 1500 मीटर. तो वो जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन इस कर्व पे ट्रेवल कर रही है ऐसे. ओके, एट द रेट ऑफ दिस, सुनिए बेटा, ट्रेन इज ट्रेवलिंग, किस पे ट्रेवल कर रही है, कर्व पे, और ये उस कर्व का क्या बोला गया हमसे, रेडियस. अब रेडियस है तो आप उसको सर्कल ले लीजिए भाई, तो ये आपका सर्कल हो गया, रेडियस हो गया. अब वो ट्रेन हमारी इस कर्व पे मूव कर रही है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ट्रेवल कर रही है ऐसे, इस कर्व पे ट्रेवल कर रही है. ओके, और किस रेट पे ट्रेवल कर रही है, 66 किलोमीटर पर आवर. Can you tell me what is this 66 किलोमीटर पर आवर, that is speed. तो हम कहेंगे भी हम लोगों को क्या गिवन है, स्पीड. अब स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो उसने भी ये कहा है कि थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इनटू 20 सेकंड्स. कि मान लीजिए कि वो ट्रेन यहां पे थी, उसने इस तरह से ट्रेवल कर लिया ना कर्व पे, तो हमने कहा कि ये ट्रेन जो यहां से चली वो 20 सेकंड के बाद यहां पे आ गई. मान लीजिए कि उस ट्रेन ने ट्रेवल किया 20 सेकंड में, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की उस ट्रेन ने 20 सेकंड में, तो आपको बेटा ये एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इनटू 20 सेकंड्स. ओके, तो मान लीजिए ट्रेन यहां पे थी, ट्रेन ने ऐसे चलना स्टार्ट किया, तो 20 सेकंड के बाद वो यहां पे आ गई. अब वो कहते भी, अब वो किस एंगल पे टर्न होगा, तो मेरी ये एंगल फाइंड करना है. ठीक है, कि वो ट्रेन यहां गई तो वो किस एंगल पे टर्न करेगी, तो आपको ये थीटा फाइंड करना है. क्लियर. अब आपको पता है कि जब आपको ये थीटा फाइंड करना है, तो आप सबको बताया बेटा थीटा किसके इक्वल होगा, एल बाई आर. अब नो डाउट आपको आर तो पता है 1500 मीटर, आपको एल नहीं पता. अब एल क्या होती है आपकी, आर्क लेंथ. तो व्हाट इज योर आर्क लेंथ, दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस उस ट्रेन ने कितने टाइम में ट्रेवल किया है, 20 सेकेंड्स. अब हमने देखा भी हमारा जो रेडियस है वो मीटर में है, टाइम है वो सेकेंड्स में है, और जो स्पीड है वो है किलोमीटर पर आवर. तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इसको हम लिखेंगे बेटा 66 into 1000, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 60 into 60, क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड. सोल्व कर लेंगे बेटा जीवन इसको, दिस इज 11, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो ये हमें मिलेगा बेटा 55/3 मीटर पर सेकेंड. तो ये उसकी स्पीड होगी. आराम से सुनिए, ट्रेन ट्रेवल कर रही है इस कर्व पे, कर्व का रेडियस है 1500 मीटर, तो 1500 मीटर है तो सर्कल ले लीजिए, तो वो ट्रेन इस कर्व पे मूव कर रही है, इस कर्व पे मूव कर. ओके, अब उसने कहा भी वो ट्रेन यहां पे थी मान लीजिए, तो वो 20 सेकंड के बाद मान लीजिए ये ट्रेन यहां पे आ गई,
वो ट्रेन यहाँ पे थी और 20 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई। अब वो कहता है वो ट्रेन किस एंगल पे टर्न करेगी, तो मीनिंग आपको ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना और ये उसकी स्पीड। तो हमें पता रेडियस जब मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब आप सबको पता है स्पीड का मीनिंग क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इसके ऑर्बिटर 55/3। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज योर टाइम, 20 सेकंड। तो यहां से ये जो डिस्टेंस आ गई वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी 55 × 20/3 मीटर। टाइम कितना लिखेंगे आप, 20 को क्रॉस 20। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्टेंस, दिस इज योर आर्क लेंथ। ये आपकी क्या होगी, आर्क लेंथ। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यही तो ट्रेवल की है उसने 20 सेकंड में, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस आर्क लेंथ। इतना सा समझना था बेटा इसमें, क्लियर और नॉट। अभी 20 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, तो व्हाट इज दिस आर्क लेंथ। तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में क्यों बनाया, क्लियर है, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बोला है 20 सेकंड में, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीनिंग आर्क। आपको फाइंड क्या करना है, थीटा, व्हाट इज थीटा बेटा, एल बाई आर। What is your L now? 55 × 20/3 And what is your R? 1500. 3 will come in denominator. So theta is equal to हो गया 55 × 20 और denominator में हो गया बेटा 1500 और into cancel. ये आपका cancel. ये कितना हो गया 3. ये cancel 15. So this is your 11/45 what radians, 11/45 radians। Suppose करो कि अब आप इस एंगल को किस में बनाना चाहते हैं, डिग्री में। तो अगर आप इसको डिग्री में बनाना चाहते हैं तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/pi से। क्या लिख देंगे यहां पर, डिग्रीज। अब पाई हमसे नहीं बोला गया तो हम पाई को ऑब्वियसली क्या लेंगे, 22/7। 7 विल कम इन नॉमिनेटर, तो ये बचेगा भी 11 × 180 × 7 और डिनोमिनेटर में बचेगा बेटा 22 × 45। ये कैंसिल हो गया 4, ये कैंसिल 2, दिस इज 11, 11 से 11 कैंसिल, तो क्या बचेगा 14 डिग्री। This is your angle through what it will turn into 20 seconds. तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। Understood? Next question. Next अभी आपके पास ये है, आपके पास 15 क्वेश्चन कि एक काउ इज टाइड टू ए पोस्ट, एक काउ इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रॉप, बाय ए रॉप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कोई भी एक काउ है दैट इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है बेटा, एक पोस्ट है, दिस इज योर पोस्ट, और इसको आप इस पोस्ट पे आपने किसको बांधा हुआ है, काउ को, बाय ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। तो ये आपकी कोई रोप है 30 मीटर लॉन्ग, दिस इज योर 30 मीटर लॉन्ग, ये कोई रोप, ठीक। और यहां इस रोप के द्वारा आपने यहां पे किसको बांधा हुआ है, काउ। सिंपल सी बात है बेटा, ये आपकी क्या हो गई, पोस्ट, और पोस्ट पे आपने किसको टाई किया है, काउ को, बाय ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। तो ये आपकी रोप हो गई 30 मीटर लॉन्ग,
और इससे आपने काउ को टाई किया हुआ है। आगे आप सुनेंगे कि इफ द काउ मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, कि वो जो काउ है वो मूव करती है किसपे, एक सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, हमेशा रोप को बिल्कुल टाइट रखते हुए, एक सर्कल बन गया आपका। तो हाउ फार इट विल हैव गॉन व्हेन द रोप हैज स्ट्रेस्ड एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। तो उसने ये पूछा भी आपसे कि भी ये आपका क्या था, एक पोस्ट, यहां पे क्या था बेटा, एक पोस्ट, ये क्या थी आपकी रोप, कितने लेंथ की, 30 मीटर लेंथ की, और इससे आपने यहां पे क्या बांधा हुआ, एक काउ, यहां पे काउ है। तो उसने कहा कि वो काउ आपकी मुंह करती है, किस पे मुंह करती है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। इसका क्या मीनिंग हो गया, समझ गए आप कि वो किसके अलोंग मूव कर रही है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और इस रोप को हमेशा क्या रखेगी, वो टाइट। तो इसका मीनिंग है कि उस सर्कल का रेडियस वो वेरी नहीं करेगा, वो 30 मीटर ही रहेगा, रोप को टाइट करने का। क्लियर हो गया, अभी टाइट क्यों रखा उसने, अंडरस्टूड। अब उसने कहा भी आपका वो काउ मान लीजिए यहां से यहां तक आ गई, तो कहता है हाउ फार इट विल गो, कि वो यहां से यहां कितनी दूरी पे जाए, कि वो आपका इसके सेंटर पे कितना एंगल सस्पेंड करे, 105 डिग्री। हाउ फार इट विल गो सो एज टू ट्रेस एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट द सेंटर। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड इट, तो आपको बेटा यहां पे फाइंड करना है एल, आर्क लेंथ, यू हैव टू फाइंड एल। तो आप सबको पता है व्हाट इज थीटा भाई, एल बाई आर, ये थीटा क्या होगा, एल बाई आर, तो व्हाट इज योर एल, आर इनटू थीटा। अब आपको पता है कि जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप, तो एंगल कंफर्म किस में होना चाहिए, डिग्री में या रेडियंस में, रेडियंस में, ये किस में है, डिग्री में। तो सबसे पहले थीटा हमने क्या लिखा, 105 डिग्री, किस में बनाओगे, रेडियंस में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। डायग्राम क्लियर है बेटा, आपको थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल हो गया आर इंटू थीटा, आपको एल फाइंड करना है। तो आपको कंफर्म याद हो जाना चाहिए कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो 100% श्योरिटी है कि एंगल आपका रेडियंस में होना चाहिए। तो ये डिग्री में था, तो इसको रेडियंस में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ओके, तो ये सोल्व किया तो भी आप इसको कैंसिल करेंगे तो दिस इज 60, या 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, 21, यहां पे 5 से कैंसिल किया तो क्या हो गया, 36, फिर ये आपके पास क्या हो गया भैया, 7, ये कितना हो गया, 12, तो ये आपको मिलेगा 7 पाई बाई 12 रेडियंस, 7 पाई बाई 12 रेडियंस। एल हो गया, व्हाट इज योर आर बेटा, 30, व्हाट इज दैट, 7 पाई बाई 12। अब आप यहां पे इस पाई को क्या यूज कर सकते हैं, 22/7, तो भाई पाई को आप लिखें 22/7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 12, ये कैंसिल भी आपका, दिस इज 15, दिस इज योर 6, दिस इज 3 एंड दिस इज सॉरी 2, दिस इज 5, दिस इज 11, तो दैट इज 55 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। तो इसमें आप ये बात कंफर्म समझ गए कि भाई उसने ये क्यों कहा कि काउ मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रॉप टाइट। तो वो इसने सिर्फ इसलिए कहा गया कि आपका जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है जो आउट। वैसे एक बात ध्यान रखेंगे, बार बार कह रहे हैं कि जब आप ये लिख रहे हैं तो एंगल शुड बी इन रेडियंस, तो रेडियंस बनाया, गुड कीजिए बेटा, सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप,
इसको ध्यान से सुनेंगे आप। दिस इज योर 16 क्वेश्चन। वे आपकी एक सर्कुलर वायर है, देयर इज ए सर्कुलर वायर, और जो उसका क्या है रेडियस वो है 3 सेंटीमीटर। इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हूप, हूप मीनिंग जस्ट लाइक दैट योर सर्कल व्होज रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, व्होज रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, दैट्स इट। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी कोई एक सर्कुलर वायर है और उस वायर का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर। तो अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसमें वायर की लेंथ थी 121 सेंटीमीटर, वायर की लेंथ थी 121 सेंटीमीटर, जिसको आपने एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई किया था, सेम इंफॉर्मेशन। तो सर्कुलर वायर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इस सर्कुलर वायर को हमने कट किया और इसको इस तरह से बेंड किया कि ये किस पे लाई करे, सर्कमफ्रेंस पे लाई करे, सर्कमफ्रेंस किसका हुक का, और उस हुक का रेडियस क्या है 40 सेंटीमीटर, एंगल फाइंड करना। तो हुक मीनिंग जस्ट लाइक योर सर्कल, ये हो गया भी, व्हाट इज योर रेडियस ऑफ दिस हुक 40 सेंटीमीटर। अब जो इसका ये सर्कमफ्रेंस है इस पे आपको क्या लाई करना है, मान लो ये आपकी क्या है सर्कुलर वायर है जो यहां पे लाई की है, दिस इज योर सर्कुलर वायर, तो कैन यू टेल मी द व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर, क्योंकि हमें सर्कुलर वायर का क्या गिवन है रेडियस, हमें उसकी लेंथ गिवन नहीं है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस व्हाट इज आर 3, तो दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर। बात समझे रूप से, हुप हो गया, रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। अब हमें इसके सर्कमफ्रेंस पे एक सर्कुलर वायर बेंड करनी है, सर्कुलर वायर लाई करनी है, लेकिन उस वायर का हमें रेडियस पता है, और अगर हम उस वायर को यहां पे लाई करना चाहते हैं तो हमें उस वायर की लेंथ पता होनी चाहिए। अब वो वायर कैसी है बेटा, सर्कुलर वायर, तो वायर कैसी है सर्कुलर वायर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट 2 पाई आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर 2 पाई आर, व्हाट इज आर 3 सेंटीमीटर, तो 6 पाई सेंटीमीटर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस 6 पाई, और बेटा आपको ये थीटा फाइंड। तो इसमें मेन चीज समझाने की ये थी कि आप यहां पे 3 नहीं लिखेंगे, वो 3 उस वायर का बेटा रेडियस है और हम उस कंप्लीट वायर को यहां डाल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, कि उस वायर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उस वायर की लेंथ 3 सेंटीमीटर नहीं है, रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आपने उस वायर की लेंथ फाइंड की 6 पाई, दैट इज लेंथ ऑफ सर्कुलर। ओके तो यहां से थीटा लिखेंगे तो थीटा क्या हो गया बेटा एल बाई आर, व्हाट इज योर एल 6 पाई, व्हाट इज आर 40, ये किसमें हो गया बेटा रेडियंस में, नो डाउट रेडियंस में हो गया। अब मान लीजिए आप इसको किसमें फाइंड करना चाहते हो डिग्री में, तो 6 बाई 40, क्योंकि मेजर भी किसमें करना है डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई की 180/5 डिग्रीज। ओके ये आपका पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल बेटा, ये 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 9, तो व्हाट इज योर आंसर 27 डिग्री, व्हाट विल बी दिस एंगल 27।
तो इसमें मेन चीज बेटा सिर्फ ये समझाने की थी कि दिस इज नॉट योर थ्री, थ्री उस वायर का रेडियस है और यहां उस वायर को डाल रहे हो आप, कंप्लीट वायर को डाल रहे हो ना, रेडियस को थोड़ी ना, तो कंप्लीट वायर की लेंथ पता होनी चाहिए, वायर सर्कुलर वायर टू पाई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस फॉर्म लेके थे, थीटा इज इक्वल टू एल पाई। छह और क्वेश्चन है वो समझाए जाएंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, यहीं तक पढ़िए, बहुत अच्छे से रहिए, थैंक यू, थैंक यू।